हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महा एपिसोड वेस्टर्न लॉजिक, जो कि आपके पेपर में आता है। ठीक है, सो जल्दी से आ जाइए, देन वी विल स्टार्ट। और अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन बैंक वाली बुक है और उसमें से आप 2020 वाले प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो यूनिट वाइज, तो लॉजिकल रीजनिंग में देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। यस, अरिस्टो जी, हेगल एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज रात को 10 बजे हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्लास है, नव क्लासेस कोर्स, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, थोड़ा सा नीचे जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। नवदीप कोर्स सर्च करके मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास पे सीओल करके भी देख सकते हैं। इस कोर्स से आप अनलॉक कर पाएंगे फ्री क्लास। मैं आपको कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स कराती हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, विद गॉडना क्लासेस आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और 1 मंथ और 3 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन में प्राइस भी जल्दी से हाइक होने वाले, तो मेक श्योर कि आप उससे पहले लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। और इसमें से अगर 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको 2 महीने बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। ऐसा नव क्लासेस अप्लाई करके आगे जाते हैं। सो ये रहा प्राइस हाइक अलर्ट, और यह है 12+2 का स्कीम, जो कि सिर्फ 8th to 15th तक ही है। ठीक है, और आप फ्री वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में, और नवदीप पर सर्च करके मेरे को फॉलो जरूर कीजिएगा। सो टेलीग्राम पे नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कीजिए। मैंने अभी तक के सारे महा एपिसोड जो है पेपर वन के, इन सभी की पीडीएफ दे दी। कल इंडियन लॉजिक वाले महा एपिसोड की भी पीडीएफ मैंने दे दी है। ठीक है, सो 18 डेज बचे हैं अब सितंबर में, एंड 5 डेज अक्टूबर में। अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो ये तो गया है ना। सो अब जस्ट सॉल्व करना है ऑल प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और महा एपिसोड से रिवीजन, नथिंग एल्स। अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कहता है मेरी ऐड दुनिया की। सो फ्रेंड्स, अपने जो मेरी बुक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, इसको ले सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमर्स की भी बुक मेरी अवेलेबल है, तो इसमें A to Z ऑल प्रीवियस क्वेश्चन है 2004 से लेकर 2020 तक के, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी है विद सॉल्यूशन, एंड कॉमर्स की बुक के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट्स भी है, चार्ट भी है, ट्रिक भी है, क्वेश्चन बैंक भी है। ये इधर से आ गया है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो ये रही बुक यूजीसी नेट JRF के लिए। आपको अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, तो उसके थ्रू यू कैन गो थ्रू। ये दे दिया मैंने, इसको लिंक को पिन कर दिया है। आप अदरवाइज नवदीप एंटी बुक सर्च करोगे तो आपको अभी मिल जाएगी, एंड दिस इज मस्ट हैव फॉर यू, यू शुड गो फॉर दिस पेपर वन बुक, जिसके अंदर इतने सारे MCQs है 4500, तो अब बस इनको लगा लो एंड महा एपिसोड की प्लेलिस्ट से अपने कंसेप्ट कर लो। ऐसे ही पेपर टू कॉमर्स के तो मैं कंसेप्ट भी है बुक में, और मैं करा भी रही हूँ, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड MCQs भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोश इज हाई 93% बच्चों का, और बाकी 7% बच्चों ने डैश पे क्लिक किया है, देखते हैं कितने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक के साथ साथ आपने देखे होंगे क्वेश्चन आ रहे हैं डेस्कार्ट्स, स्पिनोजा, लेबनिस, लोक, बाकले, ह्यूम, कान, हेगल, इन सब पे। ठीक है, हाँ जी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक बार अरिस्टो जी के बारे में समझा देती हूँ कि अरिस्टो जी ने एक कंसेप्ट भी दिया है जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल टू एक्चुअल, कि जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो एग का, एग के अंदर अभी पोटेंशियल है कि वो क्या बन जाए, वो एक चूजा बन जाए। ठीक है, सो इस चीज का उसके अंदर पोटेंशियल है, तो ये इसका मतलब होता है जिस चीज में ये पोटेंशियल है कि कुछ आगे बनने का, इसको बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए एक हायरार्की यहाँ पे बताई गई है उन्होंने कि कैसे हम जाते हैं पोटेंशियल टू एक्चुअल तक। वो जाते हैं एक्चुअली, सबसे पहले इसके लिए 4 कोड्स होते हैं। एक होता है मटीरियल कोर्स, मटेरियल कॉज क्या कहता है कि अगर आपको कोई, अगर एग्जाम्पल के लिए लकड़ी का टेबल बनाना है तो यू नीड वुड, आपको लकड़ी चाहिए, ठीक है, मटेरियल चाहिए। फिर उसके बाद कौन सा कॉज आता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ। मटेरियल चाहिए तो उसके बाद फॉर्म, यस, आपको टेबल किस शेप का बनाना है उसके लिए उसकी फॉर्म का कॉज, उसका शेप डिजाइन करते हो। आपको गोल टेबल बनाना है और या फिर आपको स्क्वायर टेबल बनाना है, उसके लिए क्या क्या चलेगा। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, तो उसका ढांचा पहले तैयार किया जाता है।
फॉर्म के बाद आगे क्या आ जाता है, हाँ एफिशिएंट। एफिशिएंट अब वो बनाएगा कौन, उसको उस शेप में लाने वाला, यानी कि कारपेंटर, बिल्डर, ठीक है। सो कारपेंटर, एंड उसके बाद फाइनल शेप यानी कि फाइनल बन के आ जाता है हमारे पास टेबल। ऐसे ही हम पेंसिल की भी बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन से MFEF इसका बन जाता है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा मेनली वेस्टर्न लॉजिक की तरफ आ जाते हैं, रैशनलिज्म एंड देखो जो अब बेसिकली जो वेस्टर्न लॉजिक है उसको मैं क्विक वे में आज बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी कर लूंगी। तो रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और आइडियलिज्म इन तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले आए थे रैशनलिज्म, जो कहते हैं कि सब कुछ एक तरीके से रैशनली होता है, डिडक्टिव लेवल पे होता है, इस तरीके से ये लोग सोचते थे। एंड देन फिर आए थे एम्पिरिसिज्म, जो कि खुद की एम्पिरिकली टेस्टेड एक्सपीरियंस करके सीखना, थोड़ा सा इंडक्टिव टाइप का हो जाना, इस तरीके से लॉजिक्स लगाते थे। और फिर उसके बाद आइडियलिज्म आए, जिन्होंने इन दोनों को रिकनसाइल किया, इन दोनों को मिक्स करके अपनी थ्योरी बनाई कि नहीं, ना तो ये अकेले सिर्फ ठीक है, ना तो ये ओनली ठीक है, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ही साथ मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। सो एक बार और बता दूं मैं कि एक्चुअली ये सब फॉर्मल लॉजिक के अंदर भी आते हैं। सो इन्होंने जो यहाँ पर इंडक्टिवनेस को समझा है, इसको ऐसा नहीं समझा इसको बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा ये डिडक्टिव की साइड पे ही ले गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसा इन्होंने डिस्कस किया। डेस्कार्ट, स्पिनोजा एंड लेबनीज, सबसे पहले हम रैशनलिज्म की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी रहे हैं। मैथमेटिशियन क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट द रैशनल। रैशनल वो पर्सन होता है हर चीज को सोच समझ के सही डिसीजन ले सकता है, उसको बोलते हैं। देन फ्रेंड्स, डेस्कार्ट क्या कहते हैं, डेस्कार्ट कहते हैं कि हमारा जो मेन एम है वो ये है, फिलोसॉफिकल ट्रुथ बाय रीजन। रीजन उसके पीछे की रीजन को समझते हुए किसी पर्टिकुलर चीज की सच्चाई तक पहुंचना, फिलोसॉफिकल ट्रुथ तक पहुंचना, ठीक है। सो मैंने एक पोल दिया है, गेटिंग इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्या आपको पता चल रहा है? यस। सो फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं कि अगर आपको फिलोसॉफिकल ट्रुथ चाहिए तो वो हम रीजनिंग के थ्रू करते हैं। डेस्कार्ट बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं। So, उन्होंने बताया कि ओनली टू मेंटल ऑपरेशंस होते हैं जिससे हम सही नॉलेज को पा सकते हैं। पहला ये इंट्यूशन और दूसरा डिडक्शन, ठीक है। हमारे अंदर इंट्यूशन आती है, फिर उसको हम डिड्यूस करके एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। सो डेस्कार्ट कहते हैं, मैं सोच सकता हूं, मैं थिंक कर सकता हूं, इसलिए मैं हूं। आप सोच सकते हो इसलिए आप हो, ठीक है। इफ आई कैन थिंक दैट इज व्हाई आई एम। तो इसको इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है कॉगिशो इर्गो सम, आई कैन थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये इनकी मेन है सेंटेंस। बाय इंट्यूशन उनको कहना है कि ही नोज दैट ही कुड नॉट थिंक इफ ही डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब उनके अंदर इंट्यूशन आ रही है कि अगर मैं होता ही नहीं तो मैं सोच ही नहीं सकता था, अब मैं हूं इसलिए तो मैं सोच पा रहा हूं। ऐसा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैथमेटिकल सर्टेनिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना मैथोडिक डाउट। तो इसमें ही उन्होंने अपना मैथोडिक डाउट को लेकर आए, जिसके थ्रू वो इस चीज को प्रूव करते हैं, फिर रैशनल हो जाते हैं। रैशनैलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज है, आपको लग रहा है कि मैं सोच सकता हूं तो मैं हूं, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर काम करके चेक करना चाहिए कि क्या ऐसा सच में है। तो इसके सारे अच्छे पहलू, पूरे पहलू, हर एक स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको रिकनसाइल करके एक रिजल्ट निकाल देने को रैशनैलिटी कहते हैं। इन्होंने एक और पॉइंट बोली, नोशन ऑफ इनेट आइडियाज। इनेट आइडियाज क्या कहते हैं, रैशनलिज्म कैन बी एक्वायर्ड बाय प्रायोरी मींस, यानी कि मतलब क्या होता है, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है उसके थ्रू हम रैशनलिज्म को पा सकते हैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग डिड नॉट बिलीव दैट इन्फॉर्मेशन वी रिसीव थ्रू आर सेंस ऑर्गेन इज एक्यूरेट। क्योंकि यही बात है, इन्होंने समझा इस चीज को कि जो हमारा इंट्यूशन से हमें कुछ समझ में आ रहा है,
इट डजंट मीन कि वो 100% करेक्ट है, या जो हम सेंस ऑर्गेन हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष इसका एब्सोल्युटली ट्रुथ, प्रत्यक्ष को किसने माना इंडियन लॉजिक में, सभी ने माना है, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रत्यक्ष को नहीं माना हो. तो हमें प्रत्यक्ष रूप से एक जगह पे खड़ा होकर ये दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं, वहां खड़े होकर ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे पेड़ आगे आगे जाकर छोटे हो रहे हैं, बट रियलिटी इज पेड़ दूर है. हमारी सेंस ऑर्गन हमें धोखा दे रही है, हमारी सेंस ऑर्गन हमें दिमाग में घुसने नहीं दे रही, लेकिन अब जब हम पास जाएंगे तो ये वाले पेड़ भी उतने ही बड़े दिखाई देंगे जितने के दूसरे वाले हैं. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सेंस ऑर्गेन भी हो सकता है हमें सही रिजल्ट ना दे, इसलिए हमें रैशनली हर चीज की पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए. सो इन्फॉर्मेशन वी रिसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गेन इज नॉट एक्यूरेट ऑलवेज, हमेशा एक्यूरेट नहीं होती. इस चीज के बारे में बोला, इसको कहते हैं नोशन ऑफ इनेट आइडिया, अंदर से ही जो हमें लग रहा है, और यहाँ पे जो चीज असलियत में है हम उस पर भरोसा करना चाहिए. जैसे कार जब चलती है तो बोलते हैं कार, अच्छा ट्री चल रहे हैं, हाँ बच्चे बोलते हैं पेड़ चल रहे हैं, यस. और एक्चुअली जो आप मूवी देख रहे हो वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स का मूवी है. ठीक है, अगर आपको मैं ये ऐसे 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 ला दूं तो आपको लगेगा कि ये ऐसा ही है, कोई चीज ऐसी ही है, बट दिस इज इल्यूजन ऑफ आर आईज, सेंस ऑर्गेन. पॉसिबिलिटी ऑफ एरर के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने कि जजमेंट इज फैकल्टी ऑफ माइंड, हमारा जो दिमाग है उस वो क्या करता है, जजमेंट करता है. Yes, resulting from interaction of will and intellect. जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और हमारी जो क्षमता होती है समझने की उससे एक्सीड कर जाता है वो, तो रिजल्ट अलग भी आता है और एरर भी आता है. एक्चुअली हम बच्चे होते हैं तब बोलते हैं कि पेड़ चल रहे हैं, लेकिन हम बड़े हैं तो हमें पता है पेड़ वही है, ट्रेन चल रही है. तो वो बच्चे के समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग ही उतनी है. ठीक है, बच्चे को उससे ज्यादा आता ही नहीं, दैट इज वाई उसका जब उस एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग से परे कोई चीज चली जाती है देन एरर कम्स. समझे, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. सो डेस्कार्ट ने माइंड और बॉडी के बीच में भी डिफरेंस समझाया है. जैसे बॉडी इज पैसिव, क्योंकि शरीर है, ये शरीर अपने आप काम नहीं करता. अगर ये दिमाग ना होता, यू कैन थिंक, दैट इज वाई यू हैव माइंड. तो मतलब अगर हमें अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर दो तो शरीर काम नहीं करेगा. आप कोमा में जो लोग चले जाते हैं उनसे एग्जांपल ले सकते हो. तो एक्चुअली एक्टिव इज माइंड एंड फ्री, जो हमारा माइंड है वो एक्टिव है और वो फ्री है. तो इस हिसाब से डेस्कार्ट किन चीजों को मानते हैं, आपको क्या लगता है, डुअलिज्म या मोनिज्म? मोनिज्म मतलब सिर्फ एक चीज, एंड डुअलिज्म मतलब कि ये दो तरीके की चीजें होती हैं जो हमें एक तरीके से आगे लेकर जा रही हैं. तो यस, वो मानते हैं दो चीजों में, माइंड एंड बॉडी. सो ये डुअलिज्म है, एक चीज पैसिव एक चीज एक्टिव. कार्टेशियनिज्म एक स्पीसीज है रैशनलिज्म की, और ये मतलब प्रजाति ही है रैशनलिज्म की. ठीक है, सो ये कहते हैं कि इनको सर्टेन नॉलेज होती है, और ही कैन ऑल्सो मेक कंट्रीब्यूट द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. सो बेसिकली डेस्कार्ट से ही रिलेटेड एक और प्रजाति है, स्पीसीज है, वो है कार्टेशियनिज्म. तो आप इनको भी डेस्कार्ट से लिंक कर सकते हैं. सो व्हाट मोशन इज प्रॉपरली सो कॉल्ड, मोशन क्या होता है? मोशन इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग आर सेल्फ विद विच हैज नो फाउंडेशन, किसी चीज के साथ ऐसे के साथ बांध लो जिसका कोई आधार ही ना हो. Unless orderly uses, we desire to know what ought to be understood by motion accordingly. जब हम movement को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि जो दिख रहा है वही सच है, according to the truth. We may say, in order to give determined nature, किसी चीज को determine जानने के लिए, that is transporting of one part of matter or other body from vicinity of those body, that is immediate contact with it. जिसको हम कहते हैं रेस्ट. मतलब एक्चुअली कोई दूसरी चीज जो है वो क्या कर रही है, वो किसी दूसरी चीज की वजह से आ रही है, कि एक चीज दूसरी चीज की वजह से आ रही है. इसको समझो, बॉडीज दैट आर इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विथ, जिसके साथ हम इमीडिएट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये बॉडी किसी और चीज के ऊपर रेस्ट कर रही है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये बॉडी एक्चुअली किसी और चीज के ऊपर रेस्ट कर रही है. हाँ जी,
सो यही कहते हैं व्हाट मोशन इज प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो मोशन है जो हम एक तरीके से देख रहे हैं कि हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, सो एक्चुअली ये चीज किसी और चीज पे रेस्ट करती है। एग्जांपल के लिए हम एक ह्यूमन बींग है, हम भी एक अर्थ पे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके ऊपर है, और ये हमारी बॉडी है, ये भी एक ऐसे माइंड के ऊपर रेस्ट करिए जो काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस बात को बोला है, तो ये इसको मोशन को समझाया है एक्चुअली। देन अब हम बात करेंगे स्पिनोजा की, डेस्कार्ट्स जी के इस बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। स्पिनोजा कहते हैं मॉडल पैंथिज्म सबस्टांस मोनिज्म, ये क्या बोलते हैं कि जो वो थे डेस्कार्ट, वो कौन थे, वो डुअलिज्म थे, ही वाज डुअलिज्म, माइंड एंड बॉडी को बता रहे थे, बट जो स्पिनोजा है ये सिंगल मोनिज्म की तरफ ध्यान देते हैं, कहते हैं सिर्फ एक है, मोन मतलब एक है, तो मॉडल पैंथिज्म, इनको पैंथिज्म भी कहा जा सकता है। सो सबस्टांस एग्जांपल ओशियन है, ओशियन का एक फीचर है वो है उसकी वेव मूवमेंट, उसकी वेव मूव करती है और उसका मोड क्या है, पर्टिकुलर वेव। सो बेसिकली आप देखोगे कि ये सब कुछ एक्चुअली एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। हम सब एक तरीके से अलग अलग बॉडीज हैं और हम सब बॉडीज का आधार क्या है, हमारे अंदर सोल है, आत्मा है, तो एक्चुअली ये आत्मा किससे बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं एक शक्ति से जहां से हम ये सब आ रहे हैं। तो ये मोनिज्म की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे ओशन है एक, उसके अंदर हम वेव घूमती है और उससे पर्टिकुलर वेव को हम उठा ले तो एक्चुअली वो ओशन की ही है, ठीक है। नटुरा नटुरातंस और नटुरा नटुराता के बारे में स्पिनोजा ने बताया है, ये कहते हैं नटुरा नटुरातंस का मतलब होता है नेचर नर्चर कर रहा है हमें, नेचर एक्टिव है वो हमें नर्चर कर रहा है, हमें पाल पोस के बड़ा कर रहा है। नटुरा नटुराता, नटुराता मतलब हम नर्चर हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बल पल के बड़े हो रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं। सो पैसिव नटुराता, क्योंकि ये कुछ कुछ तो कुछ नहीं कर रहा ना, जो नर्चर हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, एक्चुअली करने वाला नटुरातन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझ रहे हो। सेकेंड सिग्नल कॉज रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मॉडल सिस्टम, इसी तरीके से एक है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, एंटायर मॉडल सिस्टम में, पूरे सिस्टम के अंदर नटुरा नटुरातन फॉलो करता है फ्रॉम डिवाइन नेचर, नटुरा नटुरातंस, एक्चुअली हम सब कुछ नहीं है, हम सब नटुरातंस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, तो वो डिवाइन नेचर है नटुरातन जो एक्टिव है ऐसा। और इन्होंने फ्रेंड्स डेस्कार्ट के भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको पढ़ना होता है, और स्पिनोजा की भी मैंने प्लस क्लास में आपको कराई है, एक बार रिवाइज भी कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे कि ए सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग एल्स, यही चीज है ना, हर चीज का एक मोनिज्म है, एक आधार है, सब्सटेंस किसी और चीज के द्वारा नहीं पैदा होगा, वो सेल्फ एग्जिस्ट होगा, सेल्फ ही कंसीव किया जाएगा, सेल्फ के ऊपर ही रहेगा, ये चीज उन्होंने बोली है, ठीक है। एग्जिस्टेंस बिलोंग टू नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर से ही बिलोंग करती है, सेल्फ सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा सब्सटेंस, इसलिए सब्सटेंस खुद ही कॉज होता है। मतलब कि अगर आप एक बात करोगे, एक एग है, एग से अगर बन रहा है हैन, तो एक्चुअली वो एग के अंदर मटेरियल है उसका, ठीक है, जिसके थ्रू वो सब्सटेंस बन के बाहर आ रहा है, तो वही चीज कह रहे हैं कि वो सेल्फ कॉज है, इट एग्जिस्ट नेसेसरीली, वो एग्जिस्ट करता चाहिए नेसेसरीली, एंड एग्जिस्टेंस पर्टेन टू इट्स नेचर, वो अपने नेचर की वजह से वैसा ही है। तो ये चीज ये बताते हैं एक तरीके से मौन यानी कि वन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। सो अभी मैं बात करती हूँ लेबनिस की, और एक पॉइंट आपने मेरे को बताना है कि जो स्पिनोजा है वो किसके ऊपर ध्यान देते हैं एंड डेस्कार्ट किसके ऊपर, ठीक है, मोनिज्म ड्यूलिज्म या प्लूरलिज्म। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं लेबनिस, G.W. लेबनिस ग्रेट मैथमेटिशियन थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रैशनलिज्म में भी आते हैं, ठीक है। सो कहते हैं ही वाज वन ऑफ ग्रेट थिंकर 17th-18th century, इनको लास्ट यूनिवर्सल जेनस भी बोला जाता है, जीनियस भी बोला जाता है, ठीक है। डेस्कार्ट और स्पिनोजा की तरह लेबनिस भी ज्योमेट्रिकल मेथड ही यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे देखेंगे वो भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेबनिस का कहने का तरीका बिल्कुल अलग है सबसे,
बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो आएगा वो अपनी बात कहेगा, अपने हिसाब से बोलेगा जिसको जो समझ में आ रहा है। सो डिस्कार्ड कहते हैं यहाँ पर थ्री सब्सटेंस है, गॉड माइंड मैटर, या अगर हम देखें तो डुअलिज्म में बात की है माइंड एंड बॉडी, जबकि स्पिनोजा कहते हैं वो एक है, ठीक है। एंड डिस्कार्ड इसको एक्सटेंड कर देते हैं, असेंस ऑफ मैटर स्पिनोजा की पूरी एक्सटेंशन कर देते हैं, कहते हैं दिस इज प्लूरलिस्ट। सो लेबनीज क्या, अच्छा डेस्कार्ट तो खैर, डेस्कार्ट ने एक्सटेंशन किया था स्पिनोजा के जो दोनों चीजें हैं उसको, मैटर को क्लियरली समझाना। अब यहाँ पर लेबनीज की बात करें, लेबनीज कहते हैं प्लूरलिस्ट, लेबनीज हेल्ड एक्सटेंशन कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू सब्सटेंस। हम सिर्फ सब्सटेंस को ऐसे नहीं कह सकते कि एक सब्सटेंस है उसके बारे में हम समझाने बैठते, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेबनीज इन्वॉल्व प्लूरलिटी एंड बिलोंग टू एग्रीगेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है। स्पिनोजा ने कहा कि सब कुछ एक है, एक ही सब्सटेंस है, वहीं से उस चीज की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन लेबनीज कहते हैं वो एक नहीं है, प्लूरल सब्सटेंस है, और जब एक सब और जब एक चीज बनती है या हम इतनी सारी चीजों को देखते हैं तो ये सब एग्रीगेट ऑफ सब्सटेंस है हमारे आसपास, सब इन सब चीजों का एकत्व है, इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए वो बिलीव करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर बात करते हैं, जिसको वो बोलते हैं मोनाड। कहते हैं कोई भी चीज है उसका मोनाड अलग है, कोई भी चीज है दूसरी उसका मोनाड अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, मोनाड को बोल रहे हैं। हर एक सब्सटेंस का एक आधार है, इन्होंने मोनाड वर्ड को यूज किया हुआ है, ठीक है। मोनाड एक्चुअली लेबनीज के हिसाब से इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट है, ये एक ऐसी यूनिट है जो कभी खत्म नहीं होती। मोनाड के बारे में लेबनीज ने बात करी है, ये ऐसी यूनिट है जो कभी खत्म नहीं होगी, और ये हर एक का अलग अलग मोनाड है जिससे वो चीज उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एंड देन डॉक्ट्राइन ऑफ मोनाड, एंड इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, बॉडीज आर कंपाउंड ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। बॉडी जो होती है सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस के इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका कंपाउंड होता है, उन्होंने ये बात मानी। ही दैट नो टू मोनाड कैन नेवर हैव कॉजल कनेक्शन, मोनाड आर विंडोलेस। सो ऐसा नहीं है कि जो मोनाड है उसका बेसिकली कोई कॉजल कनेक्शन होगा एक दूसरे से, वो विंडोलेस है, कोई भी मोनाड कहीं से भी किधर से भी जा सकते, ऐसी कोई खिड़की नहीं है कि ये इधर से ही जाएगा और यहीं से कोई चीज बनेगी, ऐसा इन्होंने बोला। सो इनके कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो आप कहोगे बहुत बड़ा काम किए इन्होंने। आज की डेट में आप देखते हो स्पिन व्हील कैलकुलेटर लेबनीज ने निकाला था, बाइनरी नंबर सिस्टम को रीडिफाइन इन्होंने किया था कंप्यूटर्स में, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं हमारी हिस्ट्री में। लेबनीज का जो थॉट है, वी आर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो सिंबल्स वर इंपॉर्टेंट, सिंबल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनका नोशन है इनफिनिटिसिमल कैलकुलस के ऊपर, तो इनफाइनाइटनेस के ऊपर इनका ध्यान है, ऐसे ही इनफिनिटिसिमल कैलकुलस इन एग्जाम्पल ऑफ हिज स्किल। सो डॉट इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, ये डॉट नहीं थी पहले, पता है आपको, द डॉट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसको मैं समझाती हूँ कि आप अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5 कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये डॉट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। यस, सो ही उन्होंने, आपको पता होगा पर्नोलॉजी के बारे में, तो जॉन बर्नौली को लेटर भी लिखा था कि भाई आप मल्टीप्लाई यूज करते हो, मेरे हिसाब से डॉट लगा मल्टीप्लाई करने को, ठीक है, तो उन्होंने डॉट लगाने को कहा था। यस, एज सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये आसान रहेगा कंफाउंड करने के लिए एक्स की जगह पे, तो उन्होंने ये चीज कही थी। एम्पिरिसिज्म के ऊपर आते हैं, हमने अभी रैशनलिज्म समझ लिया, ठीक है। यस, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, हर जगह पे वीडियो को। एम्पिरिसिज्म, लॉक, बाकले एंड ह्यूम, एम्पिरिसिज्म में ये तीन आते हैं, तो लॉक क्या कहते हैं, लॉक, अब एम्पिरिसिज्म कैसे होंगे बताओ, रैशनलिज्म जैसे थे तो एम्पिरिसिज्म अपने खुद के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में कहेंगे, एक तरीके से पोस्टोरी होंगे, वो प्रायरी थे तो ये पोस्टोरी होंगे। सो इट मे बी रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म फादर, फादर कौन है, लॉक है। सो लॉक नेचर एज गिफ्ट अस विथ 3 इनअलाइनेबल राइट्स, कहते हैं कि नेचर ने हमें 3 ऐसे राइट दिए जो बिल्कुल डिफरेंट नहीं कर सकते एक दूसरे से,
वो क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का हक मिला, लिबर्टी फ्रीडम मिला, प्रॉपर्टी मिली। इस दुनिया में जो भी आता है उसको रहने की प्रॉपर्टी मिलती है, कैसे नहीं मिलती। चिड़िया अपने घोंसले में रह पाती है, हम किसी घर में रह पाते हैं, तो हर एक को नेचर के थ्रू ये चीज मिली है। कुछ ना किसी तरीके से आप अपना ढूंढ ही लेंगे। पॉलीमिक स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट थे ये इनेट आइडियाज के। अभी इनेट आइडियाज के बारे में भी किसी ने बोला था, ये इनेट आइडियाज के अगेंस्ट थे। किससे बोला था तीनों ने? तीनों क्या कहते हैं, प्रायोरी, प्रायोरी की तो बात इन्होंने काट ही दी ना, बिकॉज ये दोनों स्कूल जो है रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, दे आर अपोजिट। ठीक है, यस। सो लॉ कहते हैं अपना एसे को बिगन किया इन्होंने क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज, और इसको इस वर्ड को बोलते हैं पॉलेमिक, इसको पॉलेमिक बोलते हैं। So having disposed of the doctrine, innate ideas, Locke went to give his own theory. फिर उन्होंने अपनी और theory, खुद की theory दे दी। Mind is empty, कहते दिमाग खाली है। जहाँ पे अभी Descartes कह रहे थे mind and body, अब इनको काटना था ना, कह रही हूँ मैं उल्टे एकदम, कहते दिमाग खाली है। तो mind is empty, tabula rasa, मतलब slate खाली है। Tabula rasa पता है क्या होता है? Empty slate को बोलते हैं, बहुत पहले इसका previous question भी आया था। एम्प्टी स्लेट, खाली स्लेट को क्या बोला जाता है? टबुला रास। एम्प्टी टैबलेट, ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक टैबलेट। ऑल मटेरियल ऑफ नॉलेज रीजन कम एज पर लॉक इन वन वर्ड, एक्सपीरियंस। सब कुछ कोई बचपन से सीख के नहीं आता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है। ठीक है, ये बोलते हैं। इनके हिसाब से बिल्कुल उल्टा था। सो लॉक का जो रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी है परसेप्शन की, ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल सब्सटेंस को अब कहते हैं कि इससे हमारी खुद की इमेज बनती है माइंड में, और हमारा रिस्पेक्टिव जो सेंस ऑर्गन है वो काम करता है। ये कहते हैं वो चीज सही है जो मुझे दिख रही है। ठीक है, तो आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एस टर्टियम क्वायर्ड, मतलब थ्री थिंग्स ये इन्होंने बोला, बिटवीन माइंड एंड मैटर। बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि जो आपने माइंड एंड बॉडी बोला था, मैं उसकी जगह पे वर्ड यूज करना चाहूंगा माइंड एंड मैटर। मैटर इज सब्सटेंस, और उसके बीच में जो घुस जाता है वो है आइडियाज। आइडियाज हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो जाती हैं। लॉक की थ्योरी नॉलेज के बारे में कहती है, व्हाट रीचेस टू नॉलेज आई थिंक मे बी कॉल्ड सर्टेनिटी। ठीक है, जब आप किसी चीज के बारे में ज्ञान कर लेते हैं तब हम पहुंच जाते हैं उसकी स्थिरता पे, सर्टेनिटी पे, और जिससे हम किसी चीज का ज्ञान नहीं कर पाते वो है ही। सो व्हाट कम शॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी आई थिंक वो नॉलेज ही नहीं है। जब मैं किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये मेरे पास ठोस बुक है तो ये सर्टेनिटी है। ठीक है, ये बुक है। अगर मैं नहीं देख पा रहा, मेरी सेंस ऑर्गन पांचों के पांचों इसका जवाब नहीं दे रही, वो चीज नहीं है, नॉलेज नहीं है वो। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन तक जाती है वही नॉलेज है। लॉक इंप्लाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज प्रपोजिशन और इन्फ्रेंस। लॉक मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टिव एंड ट्रिफलिंग, मतलब अनइम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस। सो उन्होंने यही बताया कि अगर हम सेंस ऑर्गन को यूज करके, पांच इंद्रों को यूज करके किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये चीज ये बताते हैं। फिर हम बात करेंगे बाकले के बारे में। बाकले ने प्रेजेंट किया ओरिजिनल पर्सपेक्टिव क्रूशियल क्वेश्चन के ऊपर, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स के ऊपर, ये उनके काम है। इधर आए थे बाकले भी एम्पिरिसिस्ट हैं, एक्सपीरियंस करके सीखो। इनको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे हैं एम्पिरिसिज्म। और ही रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूट? रिफ्यूट का मीनिंग होता है टू टेस्ट। पेपर वन में बहुत बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। इन्होंने टेस्ट किया रियलिटी ऑफ मटेरियल सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्योंकि अब तक इनके आने से पहले आप मटेरियल सब्सटेंस भी आ चुके थे और आइडियाज के बारे में भी इनसे पहले वालों ने बोल दिया था। किसने बोला था कमेंट करो? इन्होंने बोला ऐसे एस प्रिंसिपी। बाकले का एक एकदम चौंकाने वाला पॉइंट था स्टेटमेंट, वो क्या कहते हैं ऐसे एस परसिपी, इसका मतलब टू बी इज टू बी परसीव्ड, मतलब कि समथिंग वर नॉट परसीव, वो चीज है ही नहीं। जो चीज है वो तभी होगी जब उसको हम परसीव कर पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा प्रिंसिपी। सो इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है स्पिरिट्स एंड आइडियाज के बेसिस पे, इनका कंट्रीब्यूशन स्पिरिट्स एंड आइडियाज के बेसिस पे रहा है। क्या बात है, अब मुझे सारे लिख के बताएं कि
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. माइंड एंड बॉडी किसने कहा, स्पिरिट एंड आइडियाज किसने कहा, आइडियाज बीच में घुसती है माइंड एंड मैटर के, वो किसने कहा. एक आधी और बात रह गई होगी बीच में से, ठीक है, उन दोनों का भी बता देना क्योंकि ये सब इनके इंपॉर्टेंट है. रिफ्यूटेशन की मैंने बोला, इन्होंने टेस्टिंग करी थी डुअलिज्म एंड एथिज्म एंड स्किप्टिज्म के ऊपर, ठीक है, तो प्रूव किया था इन्होंने, इनके ऊपर काम किया था, इनको टेस्ट किया था कि ये क्या सही है क्या गलत, और इन तीनों में इनको कुछ ना कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी थी, वो मैंने आगे डिस्कस किया है वो प्लस में. अब हम बात करते हैं डेविड हूम की. डेविड हूम क्या कहते हैं, हूम का एनालिसिस बेसिकली है सेंस एक्सपीरियंस बिगन विद डिस्टिंक्शन बिटवीन इंप्रेशन एंड आइडियाज. अब सबके अपने अपने वर्ड है, ठीक है, ये किसने बोला इंप्रेशन और आइडिया वाला वर्ड किसने यूज किया, ये बात है. सबके ये ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जरूर, उनको समझना है. दोबारा वीडियो देखना, दोबारा नोट्स बना सकते हो आप और कमेंट में भी लिख सकते हो. थ्योरी ऑफ नॉलेज इस इंप्रेशन संस्कार, इनके हिसाब से अभी तक आइडियाज थे ना और स्पिरिट आ चुकी थी, ये लेकर आ गए इंप्रेशन और आइडियाज को. ये इंप्रेशन और आइडियाज को लेकर आ गए. कहते हैं इंप्रेशन होते हैं हमारे संस्कार जो हमारे दिमाग में घुसते हैं, आर शॉर्ट लिव्ड बट लेफ्ट आइडियाज. जब हमें किसी चीज का इंप्रेशन मिल जाता है फिर वो हमारे लिए आइडियाज छोड़ देते हैं, ठीक है, आइडियाज छोड़ देते हैं. इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ आप, इन्होंने दिया ये वाला एग्जाम्पल भी, एक रेड कलर का बालों वाला एक पर्सन आपके सामने आया एकदम से, ठीक है, तो फिर जब वो चला गया, उनसे बातचीत हुई कौन है कौन नहीं, उसके बाद जब वो चले गए, नेक्स्ट टाइम जब आपने कोई रेड कलर वाले बालों वाले पर्सन को देखा तो आपके दिमाग में पहले से ही रेड कलर के बालों वाले पर्सन के बारे में इंप्रेशन बन चुका था, तो अगली बारी आपको पहले ही आइडिया आ गया कि ये वही होगा. सो ये वो बोलते हैं, ये हमारे अंदर संस्कार घुस जाते हैं, ठीक है. रेड कलर दैट इंप्रेशन, जब आफ्टरवर्ड यू कैन रिकॉल द रेड हेयर्स, दोबारा से किसी और को भी रेड हेयर्स में देखोगे आपको उस इंप्रेशन की याद आ जाएगी, आप रिकॉल कर पाएंगे. तो डेविड हूम क्लेम करते हैं प्योर रैशनैलिटी अकेले कुछ नहीं करेगी, क्योंकि रैशनल तो है ही नहीं ना, ये एम्पिरिसिज्म है, ट्रुथ नहीं बताएगी आपको. इंस्टेड रिलाई ऑन ट्रेडिशन एंड मेंटल हैबिट्स, क्लेम दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज डिराइव्ड सोली फ्रॉम एक्सपीरियंस. हम आमतौर पर ट्रेडिशन के हिसाब से देखेंगे तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस से आएगा. इन्होंने सिंथेटिक पोस्ट स्टोरी की तरफ ध्यान दिया. इंडक्शन एंड इंडक्शन अलोन, पोस्ट स्टोरी क्या होता है पता है, इंडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंडक्शन अलोन पे ध्यान दिया. पहले प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस करो, फिर आगे चलेंगे. फिर आते हैं स्किप्टिज्म. एक्चुअली इन सभी के एंड में ना ये खुद ही डाउटफुल हो गए थे. स्किप्टिज्म का मतलब होता है डाउटफुल, सभी के एंड में कहीं ना कहीं ये डाउटफुल हो गए थे जितने भी आए अभी तक, तभी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन आए, ठीक है. सो ये एंड में रैशनलिज्म के एंड में ये कहते हैं कि जैसे अभी हम निचोड़ निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कैसे डाउट आया. जब रैशनलिज्म का एंड हुआ तो वो डॉगमेटिज्म में हुआ था. डेस्कार्ट के बाद उसके बाद साइनिज्म आ गया था, अनक्रिटिकल एटीट्यूड. डॉगमिज्म मतलब कुत्तों की तरह जीना, मतलब आप हर चीज अपनी मर्जी से, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जो मजा आ रहा है वो करना, ठीक है. एक्चुअली इसका एक और वर्ड है साइनिज्म. साइनिज्म का असली मतलब ये है, और डॉग मतलब डॉग लाइक वो. सो अनएथिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग. सो एक्चुअली रैशनलिज्म जब अंत हो उसका एंड आ रहा था तो तब डॉगमेटिज्म की तरफ आ गए थे वो. एंड देन डू नॉट कंसिडर अदर्स क्रिटिक्स, वो किसी दूसरे क्रिटिक को नहीं समझ रहे थे. फिर एम्पिरिसिज्म जब आ रहा है इसका भी एंड होते होते ये भी डाउटफुल हो गए थे, इनके में भी डाउट आ गया था. डाउट इन ईच, डाउट आ गया था इनमें भी. स्किप्टिज्म स्किप्ट हो गया था. तो हूम इज नॉट फुल्ली स्किप्टिक, वो फुल्ली स्किप्टिक नहीं कह सकते हाँ, बट उनका खुद की थ्योरी पे डाउट हो गया था, थ्योरी ऑफ कॉजालिटी पे. टू नॉट कंसिडर अल्टीमेट रियलिटी इन हिज मैनर, वी कैन से ही वॉज समवट स्किप्टिक. उनका कॉजालिटी के ऊपर ही एंड में आते आते ना डाउट हो गया था. फिर आए थे बाद में आइडियलिज्म इन कांत एंड हेगल. आइडियलिज्म में कांत और हेगल आए थे. एक्चुअली इस चीज को मैंने 3-4 क्लासेस लेकर अनअकैडमी के प्लस क्लास में करा रखा है, जो आपको एक क्लास में कवर करा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. तो इसमें इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है, वो मैंने 4 क्लासेस ली है इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन में. तो अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आइडियलिज्म, क्योंकि अंदर तक घुसोगे तो बहुत कुछ है इनमें, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस कर ही लिए. सो
आइडियलिज्म कैसे थे, मैंने आपको बताया, रैशनलिज्म और इंपीरिसिज्म के निचोड़ है। तो आइडियलिज्म में कांत एंड हेगल आ जाते हैं। इमैनुअल कांत किसके, ये एक्चुअली फादर ऑफ डियोंटोलॉजी भी है, आपको पता है, मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो जो हम बोलते हैं ना आज, ये उसके इसके भी फादर है। अपनी ड्यूटी करते चले जाओ। देन थ्रू हिज फिलोसफी उन्होंने उनको क्रिटिकल आइडियलिज्म एंड ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म भी कहा जाता है। ट्रांसेंडेंट कर जा रहे हैं इन दोनों के पार, आगे निकल गए, ये रिजोल्व कर रहे हैं इमर्जिंग इश्यूज रैशनलिज्म एंड इंपीरिसिज्म के। जो रैशनलिज्म के पॉइंट थे, जो इंपीरिसिज्म के पॉइंट थे, कहते हैं ये दो अलग अलग काम ही नहीं कर सकते। इनमें से जो जो अच्छी चीजें थी वो रख ली रैशनलिज्म के, जो अच्छी चीजें थी रख ली इंपीरिसिज्म की। जहां पर रैशनलिज्म वालों ने कहा था कि हम अपने मन से कुछ नहीं निकाल सकते, जहां पर इंपीरिसिज्म ने कहा था हम प्रायर ही नहीं करते सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, ये ना ना वाले वर्ड उनके हटा दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स रख ली उनकी और बना दी एक थ्योरी। ठीक है, तो कांत इज नोन एज रिकनसाइलर, इन्होंने दोनों को रिकनसाइल कर दिया था, बोथ रैशनलिस्टिक एंड एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी। थस इनको कॉपरनिकस रेवोल्यूशन ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है, इसीलिए इनको कॉपरनिकस रेवोल्यूशन लाने वाला पर्सन फिलोसफी के लिए भी कहा जाता है। हाँ जी, हार्डवर्क करो रिजल्ट मत देखो, ये इनका कहना है। फिर हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में कि इन्होंने प्योर रीजन के क्रिटिक थे ये, तो इन्होंने क्या किया था, सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट। मुझे बताओ सिंथेटिक पोस्टरी किसने कहा था, कमेंट, ये सिंथेटिक पोस्टरी में से सिंथेटिक उठा लिया इन्होंने, मतलब पोस्टरी की बात करी, और अप्रायोरी किसने कहा था, रैशनलिज्म वालों ने उनका अप्रायोरी उठा लिया, अब दोनों की एक थ्योरी बना दी। ठीक है, तो इस शब्द में आपका दोनों चीजें आ रही है, सिंथेटिक भी आ रहा है एक्सपीरियंस करना और अप्रायोरी भी आ रही है। ठीक है, एनालिटिकल जजमेंट दे आर बेस्ड ऑन इनेट रैशनलिज्म, अगेन इन्होंने इनेट आइडियाज की बात कही जो रैशनलिज्म वाले थे। यस, वेरी गुड, डेस्कार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज, और फिर उसके अंदर इन्होंने सिंथेटिक जो घुसाया ये एक्सपीरियंस वालों के थे इंपीरिसिज्म के, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया पकड़ के, बना दी अपनी थ्योरी सिंथेटिक ए प्रायोरी, ओनली सिंथेटिक पोस्ट थ्योरी उनकी है इंपीरिसिज्म वालों की, और उसमें से भी एक पर्सन के, एक पर्सन का नाम बोलो। नॉलेज कम फ्रॉम सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, ये पता है क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अगर मेरे को 5+7 करना है 12 आ रहे हैं। एक्चुअली इनके कहना थोड़ा हम लोग जानते हैं ज्यादा, इनके बाद आए हम इस बारे में, थोड़ा सा फेड है इनके बाद, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस वजह से फिर दूसरे आए थे। ठीक है, लेकिन इनकी इनके दिमाग से समझते हैं अभी, क्योंकि ये तो सीख रहे हैं ना अभी, ये नॉलेज इनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि नॉलेज होती क्या है, तो चलो देखते हैं। ये कहते हैं कि ना 5+7=12, 12 इनके हिसाब से 12 5 और 7 में नहीं है, और ये नया आ गया। ठीक है, सो 12 इज नॉट इम्प्लिसिट इन 5 एंड 7, 12 इज न्यू, 5+7 प्रेडिकेटेड नॉट कंटेन इन योर रिजल्ट। एक्चुअली इन्होंने ये समझ लिया इसका, इनके हिसाब से, ठीक है, इन्होंने ये समझ लिया कि ना 5 और 7 = 12 आ रहा है, ऐसे ही मैं कुछ और प्लस करूंगी 6+2 = 8 आ रहा है, 6 और 2 के अंदर 8 नहीं है, ये नया निकाल लिया हमने, ये तो इन्होंने ऐसा लॉजिक लिया इसका। बट नीदर इज प्रपोजिशन ट्रू थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि पोस्ट स्टोरी, सो इट इज अप्रायोरी, तो इसलिए अप्रायोरी है। कहते कि ये जो हमारा रिजल्ट निकला है ना, इसके अंदर एक तरीके से रूल भी है, रूल मतलब प्लस करना, ठीक है, सो ये प्रायोरी हो गया अप्रायोरी, और इससे जो निकला वो पोस्ट स्टोरी है, मतलब न्यू थिंग निकलना। आप ये कॉमन सेंस से दोबारा समझो कि डिडक्टिव का मतलब है कुछ न्यू नहीं आएगा, वो रूल से जाएगा सिर्फ, तो रूल से हमने निकाला 6+7=12, 6+7 करना रूल था, लेकिन जो रिजल्ट आया इंडक्टिव में क्या होता है, न्यू थ्योरी निकलती है, तो इनके इन्होंने ये दिमाग लगाया कि 8 न्यू निकल रहा है, तो ये पोस्ट स्टोरी कर दिया, ये हिस्सा प्रायोरी कर दिया, इसको पोस्ट स्टोरी कर दिया, इन्होंने ये दिमाग लगाया। Are you able to understand? Yes. फिर इसके बाद इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, आए थे क्रिटिसिज्म भी कि ऐसा कुछ न्यू नहीं है, दिमाग खोलो, एक्चुअली 7 और 5 को प्लस करके ही तो आया, उसके अंदर ही तो है वो, समझे, तो उनको फिर बाद में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आए थे। हाँ जी, सो अब हम देखते हैं कांत ने फिर बेसिकली 12 कैटेगरीज यानी कि मोल्ड सांचे बनाए। कहते हैं हर चीज के मोल्ड होते हैं, सांचे होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही सांचे हैं जिनमें उसमें से सारी चीजें निकलती हैं, इनका यही टोटल 12 है, और इनकी मेन कैटेगरी 4 है,
क्वांटिटी क्वालिटी रिलेशन एंड मोडालिटी, यही सांची है बस। क्वांटिटी में यूनिटी प्लुरालिटी एंड टोटालिटी बता दी, यूनिटी मतलब एक, प्लुरालिटी मतलब ज्यादा, और टोटल मतलब सब कुछ मिलाकर। एंड क्वालिटी में रियलिटी एंड नेगेशन डाल दिया, लिमिटेशन डाल दिया। रिलेशन के अंदर इनहेरेंस, सब्सटेंस, कॉजालिटी, डिपेंडेंस एंड कम्युनिटी डाल दी। एंड मोडालिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस एंड नेसेसरी। तो ये चार के अंदर तीन तीन डाल दिए, और कहते हैं जो भी चीज आती है ना, कोई भी सेंसेशन हमें फील होती है, वो सारी की सारी सेंसेशन सिर्फ और सिर्फ इन 12 मोल्ड के द्वारा ही होती है, चार सांचों में ही होती है, चार सांचों की तरफ वजह से ही होती है, ठीक है। यस, सो टाइप ऑफ सेंसेशन पास थ्रू पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोल्ड ओनली। जो भी सेंसेशन हमें आती है वो सिर्फ और सिर्फ इन मोल्ड से ही आती है, ठीक है। किसने बोला था कमेंट करो, लिखा हुआ है वैसे तो। फिर इन्होंने एक और पॉइंट बोला, नाउमिना और फिनोमिना। फिनोमिना वो चीज है जिसके बारे में आप ज्ञान कर सकते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, एंड नाउमिना वो नॉलेज है जिसके बारे में आप ज्ञान नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब हाँ अभी ऐड हुआ है इंडियन लॉजिक के साथ, अब वेस्टर्न लॉजिक के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर वन में लॉजिकल रीजनिंग में। नाउमिना क्या है? नाउमिना है दुनिया, वर्ल्ड, सोल, गॉड, जो अननोएबल है। एक्चुअली उन्होंने बोला ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे सेंस ऑर्गन नहीं बताती, ये फाइव सेंस नहीं बताती, ठीक है, ये ऐसी नॉलेज है, तो उसको उन्होंने नाउमिना बोल दिया। और जिसके बारे में हमारी सेंस ऑर्गन बता सकती है वो फिनोमिना है, सेंसेशनल वर्ल्ड। सेंसेशनल वर्ल्ड, दिस इज पेन, दिस इज मी, दिस इज यू, ठीक है, ये सेंसेशनल वर्ल्ड है। तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि सेंसेशनल वर्ल्ड से नेवर अटेम्प्ट टू ट्रेसपास लिमिट, बट माई रीजन इज नॉट सेटिस्फाइड, वॉन्ट टू नो बियॉन्ड द नॉलेज। मैं नॉलेज के बियॉन्ड जानना चाहता हूँ, एक्चुअली फिर मैं कैसे आया, ये सब कैसे हो रहा है। फिर ये स्केप्टिसिज्म में आ गए थे, सबके एंड में आते आते सबने अच्छी खासी थ्योरियाँ दी है, एंड में आते आते फिर डाउट होने लग गया था अपनी ही थ्योरी पे। तो ये चीजें यहाँ से फिर निकल के आ गई कि नाउमिना एक ऐसे इवेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है, ह्यूमन सेंस के बाहर है, परे है। मेरे को ये नहीं पता कि जो गॉड है, भगवान है, गॉड है, वो कोई तो होंगे, और वो उनको मैं देख नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा, ना ही सुन पा रहा हूँ, ना ही ट्रेस कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी फाइव सेंस ऑर्गन के परे है। दैट इज वाई मुझे डाउट है कि गॉड है कि नहीं। सो अगेन वो इस चीज में एंड में आते आते फंस गए थे। फिर आएंगे फिर अगले वाले। तो एक्चुअली यहाँ पर कांत ने थ्री आइडियाज प्रोवाइड किए थे। नाउमिना वो है जो कि डायरेक्टली नहीं दिख सकती, जो आपके नॉलेज के बियॉन्ड चली जाती है, वो नाउमिना इनके हिसाब से, और फिनोमिना इज जो आपको पता है। सो कांत ने थ्री आइडियाज ऑफ रीजन दिए हैं, पैरालॉजिज्म, ट्रांसीडेंटल इल्यूजन, मतलब अब हर चीज ट्रांसीडेंट कर रही है ना, पार जा रही है, रिलेटेड टू सोल, आत्मा। आत्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसीडेंट कर रही है, पार जा रही है, उसको पैरालॉजिज्म बोल दिया। फिर जो ट्रांसीडेंट कर रही है इस दुनिया के परे, पार जा रही है, उसको एंटीनोमीज बोल दिया, ठीक है। जो देयर इज गॉड, अब हमको हमें गॉड के बारे में नहीं पता चलता, तो उसको एग्नोस्टिक बोल दिया, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द गॉड, देन दिस इज एग्नोस्टिक। यस, तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है, और इन सब के ऊपर मैंने एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं मेरी बुक के अंदर, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, कांत पॉइंट ऑफ व्यू वाज डिफरेंट फ्रॉम बाकले। अच्छा, बाकले भी हम कह सकते हैं, विज्ञानवाद भी कह सकते हैं, हमारा इंडियन लॉजिक का विज्ञानवाद। कहते हैं नो मटेरियल वर्ल्ड, नथिंग एक्जिस्ट आउटसाइड माइंड। जब बाकले की बात हमने की थी, बाकले ने कहा था हमारे माइंड के बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा होता है, मैं गॉड को नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरे माइंड के बाहर है, ठीक है, ये ऐसे बोले। यस, सो क्रिटिसिज्म इनके ऊपर फिर हेगल ने दिया, भी आएंगे हेगल। कांत एंड इन एपिस्टिमोलॉजिकल स्किप्टिज्म, ये भी स्किप्टिज्म डाउटफुल हो गई एंड में, और इनका एंड कहाँ हुआ कि मेरे को नॉलेज नहीं मिल रही, मेरे को नॉलेज दो, ये इस चीज में फंस गए थे। अब मेरे को गॉड की नॉलेज नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, उसको नॉमिना बोल दिया, ठीक है। फिर इनका जवाब देने के लिए हेगल आ गए। अच्छा, अभी कांत है, रुको भाई। सो कांत कहते हैं कॉजालिटी, यूनिवर्सल एंड नेसेसिटी रिलेशन, यूनिवर्सल एंड नेसेसरी रिलेशन के बारे में। ये सब यही है कि अगर हम गॉड के बारे में नहीं जान पा रहे, उनको ट्रांसेंडेंट कर पा रहे हैं, तो वो एग्नोस्टिक, एंड वर्ल्ड को ट्रांसेंडेंट जो चीज कर देती है, ये वर्ड दिए हैं उनके लिए, इनकी लैंग्वेज को। सो
इन्होंने सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट दी थी, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हुम कहते हैं ऑल नॉलेज इज प्रोवेबल, कांट कहते हैं सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट, सैज सेज ह्यूमन राइट, सॉरी ह्यूम राइट, ह्यूम राइट थे, हीट नॉट ऑलरेडी कंटेन इन फायर बट रिलेशन यूनिवर्सल एंड नेसेसिटी। तो सैज हीट एंड फायर स्पेसेस टाइम्ड एंड वन माउल्ड इडेन, एक मोल्ड हो गया इसका इनेट। सो बेसिकली हुम कहते हैं सारी नॉलेज प्रोबेबल है, क्योंकि हुम कैसे थे, हुम अभी आए थे ना, अभी हुम पढ़ा है कि नहीं हमने, एक मिनट, अभी हमने हेगल पढ़ना है ना। अच्छा, सो हुम कैसे थे, हुम बेसिकली प्रोबेबल थे, प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे थे। एंड देन कांट कहते हैं कि ये सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट, मतलब अप्रायोरी भी है जजमेंट भी है, हीट आग के अंदर पहले नहीं है लेकिन ये रिलेशन कंपल्सरी भी है कि आग गर्म ही होती है, तो इसलिए कंपल्सरी है ये पहले से पता है तो प्रायोरी हो गया, और बाद में आती है तो पोस्टरी हो गया, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, कॉपरनिकस रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, दोनों का मिक्सचर इन्होंने किया था इसके लिए इनको जाना जाता है। सो कांत ने डिफरेंस बताया कॉग्निशन और अनथॉटफुल के बारे में, डिसजंक्टिव रिलेशन होता है यहाँ पे, कहते हैं अर्थ एग्जिस्ट हो रही है ब्लाइंड चांस के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में कम्युनिकेशन में डाला है मैंने एक्चुअली, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के अंदर भी है और इसके ये एक्चुअली इनके थ्रू इन्होंने बोला है, तो ये उसमें चेक कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं अर्थ या तो ब्लाइंड चांस, ऐसे ही ब्लाइंड चांस के थ्रू आ गई, या तो कोई जरूरत पड़ी होगी इसलिए आई होगी, या तो एक्सटर्नल कॉज किसी ने किसी वजह से किसी रीजन की वजह से आई है। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है जो एक दूसरे से अलग है, ब्लाइंड चांस अलग होता है, पॉसिबिलिटी अलग होती है, इनर नेसेसिटी अलग होती है, जरूरत नेसेसिटी अलग होती है, बट फिर भी जब मैं इन तीनों फिनोमिना को देखूं तो ये कुछ तो नॉलेज दे रहे हैं कि अर्थ ऐसे आई हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है। सो इट इज, इसको कम्युनिटी बना दिया गया है, इट इज द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी जो कि ऑपरेट कर रही है यहाँ पर। ये क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर बट ज्वाइंटली, कहीं ना कहीं तो आइडिया उनका कम्युनिटेरियन है, हम लोग सब एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर जब कुछ इश्यूज होगा हम एक हो जाएंगे क्योंकि हम इंडियंस हैं। ठीक है, देन अर्थ एग्जिस्ट या तो ब्लाइंड चांस, या तो इनर नेसेसिटी, या तो थ्रू एक्सटर्नल कॉज के थ्रू अर्थ एग्जिस्ट हुई है। तो पोल देती हूँ मैं, तो इसके बारे में ये पूछते हैं, तो क्या है आंसर बताइए। गुड, सो हियर द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो जाते हैं, और ये इनके हिसाब से, कांत के हिसाब से हेगल है, तो हुम पहले एम्पिरिसिज्म में आ चुके थे। ठीक है, जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिच हेगल क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, फिनोमेनोलॉजी ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ राइट के ऊपर। तो कहते हैं कि रैशनल इज रियल, रैशनल रियल है जो दिखता है, व्हाट इज रियल इज रैशनल, जो रियल है वो। अच्छा, ये वाला सेंटेंस कितने दिया, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये सेंटेंस हेगल ने दिया, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला सेंटेंस किसने दिया, सो एब्सोल्यूट थॉट आइडिया स्पिरिट सोल माइंड इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट गवर्न बाय लॉजिस्टिक ऑफ लॉजिक ऑफ डायलेक्टिक, मतलब ये सब कुछ डायलेक्टिक है, ये भी किसने बोला, ये भी इन्होंने बोला। सो मेन एम इज टू अटेन सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेन एम इस चीज का क्या है कि अपने आप का कॉन्शियसनेस पाना, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाना। कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉन्ट्राडिक्टरी बाय मैटर एंड कैन अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। सो एक्चुअली कॉन्शियसनेस मतलब मुझे दिखाई देता है, मैं सो सकता हूँ, इस चीज को समझना आपने। सो क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस एंड बिकम रैशनल, आप सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए आपको, रैशनल बन जाते हैं। सोसाइटी इज कंट्रोल बाय स्टेट, सोसाइटी को कौन कंट्रोल करता है, जो वहां का राजा होता है, जो स्टेट होती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, एक जनरल टर्म है। पर फिर इन्होंने ये कहा था जो हिटलर है ना, हिटलर ने गलत किया, उसने अपनी ताकत का गलत यूज किया। ठीक है, ये चीज बताई, हिटलर यूजेस हिज स्टेट लीडरशिप कंसेप्ट इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से यूज किया, उन्होंने इनके स्टेटहुड पे होने का एडवांटेज उठाया। तो इस चीज को उन्होंने यहाँ पर बताया था कि हमें खुद के कॉन्शियस होना चाहिए कि तुम्हें स्टेटहुड मिली है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। हाँ जी, पेपर की बुक ली है, अब मुझे आपकी हिंदी वाली ई बुक चाहिए, कैसे करना है। हाँ, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो ये इंग्लिश मीडियम में ही है बुक, अगर इसकी हिंदी मीडियम चाहिए तो आप मेरे को
ईमेल करना बुक में, सोशल मीडिया हैंडल जहाँ लिखा है उसके अंदर ईमेल आईडी भी लिखी है मेरी, उस पर अपनी बुक के साथ ऑर्डर के साथ फोटो खींच के, उसकी फोटो खींच के, जरूरी नहीं कि अपनी फोटो, उसकी फोटो खींच के मेरे को ईमेल करना कि आपके पास है बुक। सो फ्रेंड्स, सो बेसिकली कहते हैं जो रियल है वो रैशनल है, इस चीज के बारे में बताते हैं। थॉट, आइडिया, स्पिरिट, माइंड इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। सो आइडिया, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दिस इज हिज रैशनल स्ट्रक्चर ऑफ एब्सोल्यूट मस्ट बी रिगार्डेड इन कंजक्शन विद एब्सोल्यूट, इसको प्योर थॉट बोलते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस जो इन्होंने यूज किए हैं, ये किसने यूज किए हैं, हेगल ने यूज किया कि थॉट्स को आइडियाज, स्पिरिट को सोल या फिर माइंड बोला गया है, इन प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि मेरे जो आइडियाज होते हैं और जो मेरी स्पिरिट होती है वो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट करती है, और ये सब लॉजिक ऑफ डायलेक्टिक्स से गवर्न किए जाते हैं। डायलेक्टिक्स मतलब चीजों के बारे में समझना, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे से लिंक करना, इसके द्वारा समझे जाते हैं, ठीक है। और कहते हैं मेन एम है अपने आप की शुद्ध पाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको समझा जा सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी से मैटर, और इसको ह्यूमन से भी समझा जा सकता है कि मैटर है, आपको एक पावर मिली है, आप उसका गलत यूज कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी बोला है। सो फाइनली अब हम बात करते हैं हेडोनिज्म क्या होता है। हेडोनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वर्शिप करते हैं सिंगल की, ठीक है, ये होते हैं सेल्फ प्रिविलेज पाने वाले। अच्छा, हेडोनिज्म वो होते हैं जो अपने बारे में ही सोचते हैं। अब ये अलग है, सॉरी, ये हेनोथिज्म कि भगवान को कैसे कैसे किसी ने सोचा है। हेनोथिज्म कौन होते हैं, हेनोथिज्म सिंगल की वर्शिप करते हैं, सिंगल की पूजा करते हैं, और ये कहते हैं कि जो डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड, कहते हैं और कोई भगवान होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है वो, यस। फिर मोनिज्म का मतलब बिलीव इन वन गॉड। जो मोनिज्म वाले वो कहते हैं मैं, हम बिलीव एक गॉड में करते हैं, लेकिन यहाँ और भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हाँ। एंड देखो, अगर आप प्लस क्लास में हो तो ये जो मैंने ये कराया है, ये महा एपिसोड, इसको आप रिवाइज कर लो, और इसके साथ साथ जो मैंने प्रॉपर्टीज भी कराई है डिस्कार्ड की और उनकी, वो प्रॉपर्टीज भी करनी है। आपको पता है वहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम उठ के पेपर में आ रही है। फिर अब देखते हैं मोनिज्म। मोनिज्म इज बाई डेफिनेशन फिलोसफी मोनिस्टिक इफ इट इज इट पोस्टुलेट्स यूनिटी ऑफ ओरिजिन ऑल थिंग्स। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, मोनोथीज्म वाले कहते हैं बिलीव इन वन गॉड, बट नैरोअर डेफिनेशन है ये मोनोथीज्म की, बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड, जिसने सिर्फ एक दुनिया को बनाया है, ओमनीपोटेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और ओमनीसिएंट, जिसके थ्रू सब कुछ आ रहा है, ठीक है, जो इस वर्ल्ड को बनाता है। मोनिज्म वाले क्या कहते हैं, मोनिज्म वाले डेफिनेशन ये कहते हैं कि मोनिस्टिक इफ पोस्टुलेट यूनिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। तो हर चीज एक जगह से आती है। इन दिनों में मैं दोबारा नहीं बता देती हूँ, उन्होंने बीच बीच में बोल बोल के कन्फ्यूज करा दिया एक दूसरे को। हेनोथिज्म कहते हैं हम सिंगल को वर्शिप करते हैं, ठीक है, गॉड वाइल नॉट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉसिबल अदर्स, मतलब दूसरे भी हैं, अदर भी हैं, लेकिन हम एक को मानते हैं, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हैं, हाँ जी, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म में बिलीव इन वन गॉड कि हमारा जो एक गॉड के ऊपर ही ध्यान है, कि एक ही गॉड होता है, उनसे ही सब कुछ आता है, मोनोथिज्म। और मोनिज्म वाले ये कहते हैं यूनिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स कि सब की यूनिटी है, और सबका एक पीछे जो होगा एग्जिस्टेंस वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये पेन है, पेन भी किसी प्लास्टिक से है, प्लास्टिक भी किसी किसी तरीके से पाया जाता है अर्थ में, और वो भी किसी एक इन्फिनिटिज्म के ऊपर पास जाता है, ठीक है, एक चीज है जिसकी वजह से ये सारी शक्तियां आ रही है। ह्यूमन के पीछे भी सॉल है, सॉल के पीछे भी कोई एक है, तो यानी कि इनकी उत्पत्ति एक से हुई है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस पीछे एक से आई है, ऐसा। यूनिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एसेंस, मतलब सबकी यूनिटी हो जाती है, ओरिजिन एक है, इन्होंने ओरिजिन एक माना, और ये कहते हैं है ही एक भगवान, ये कहते हैं दूसरे भी लेकिन हम एक को मानते हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस इनमें। फिर शंकराचार्य जी का जो दर्शन है, इसको अद्वैता वेदांता भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने नॉन डुअल के बारे में बात की, इसको कैसे समझते हैं, देखो, अ मतलब नहीं, द्वैत, द्वैत नहीं, द्वैत मतलब दो, दो नहीं, इसका मतलब नॉन डुअलिज्म इनको बोला जा सकता है।
अद्वैत। तो डिफरेंस अद्वैत और अदर रिलीजन व्यू उसमें यही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, इट इज ओनली अध्याय, ये सिर्फ एक अविद्या है, ये क्या है, सिर्फ हमारी अविद्या है, हमारी इग्नोरेंस है, जीवात्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है। माया यानी कि इल्यूजन है जो कि स्टॉप करता है हमें रियलाइज करने से। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज गॉड है, अद्वैत द्वैत नहीं है, ठीक है। देन अद्वैत होल्ड ऑल गॉड आर वेरियस फॉर्म ऑफ सेम सुप्रीम बींग, वो सुप्रीम बींग एक ही है, उन्हीं से ये सब आए हैं। तो ये मोनिज्म की मोनिज्म ही हो गए क्योंकि ओरिजन एक है, नॉन डुअलिज्म हो गए। अकॉर्डिंग टू अद्वैत रिसीव सल्वेशन, सल्वेशन मतलब आपको क्या पाना है, आपको फ्रीडम पानी है, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, मोक्ष। यू हैव ओनली शेड इग्नोरेंस, आपको इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपना जो पर्दा डाल रखा है उसको हटाना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा द वर्ल्ड इज माया। इस पर आपको समझना पड़ेगा कि जो दुनिया है वो माया है, इल्यूजन, एक्चुअली सब कुछ दिख रहा है और इनका सत्य वही है एक। सो इन्होंने सत्य के बारे में समझाया, सत्य कैसे कैसे होते हैं, टाइप ऑफ सत्य, टाइप ऑफ सत्य इज व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक में इन्होंने बोला कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सौ व्यवहारिक मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे को 100 रुपये मिल गए हैं, इसको छुपा के रख लो, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, माया है, ये नहीं चाहिए, ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो वही समझ रहे व्यवहारिक सत्य क्या होता है, जैसे अगर आपको 100 रुपीज का नोट मिला दैट यू कैरी इन योर पैकेट पॉकेट विच यू कंसिडर इज प्रीशियस, उसको संभाल के रख लो क्योंकि तुम्हारे लिए वो व्यवहार करने के लिए जरूरी है, उससे खाना आएगा, ठीक है वो। एंड देन फिर आता है प्रतिभाषिक सत्य। अब ये कैसा वाला पर्सन है, वन नाइट यू सी पीस ऑफ पेपर, आपको पेपर दिखाई दिया रोड पे, बाय मिस्टेक आपने 100 रुपया संभाली होगी, आपको उसकी जरूरत थी, वो असली नहीं है, एक बार आपने रस्सी देखी बाय मिस्टेक उसको सांप समझ लिया। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि प्रतिभाषिक सत्य, प्रतिभाषिक सत्य, ठीक है, यानी कि मोस्ट अनरियल, जो रियल नहीं है, असली है ही नहीं, नकली है, तो उसको हमने सत्य मान लिया, वो ब्रह्म है हमारा, ठीक है। फिर परमार्थिक सत्य, परमार्थिक, परमार्थ किसका है, सुप्रीम मीनिंग किसका है, सो अल्टीमेट ट्रुथ किसका है, इट इज ओनली अल्टीमेटली रियल, असली तो यही है कि 100 रुपया कुछ नहीं है, मेरे पास 100 रुपया आ भी जाएगा, मेरे पास इतना कुछ आ भी जाएगा तब भी कुछ नहीं है, नथिंग। सो ये बोलते हैं इट इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, 100 रुपया के बाद भी हम उसको पीस ऑफ पेपर मान रहे हैं, उस 100 रुपीज को भी, ठीक है। तो दिस इज पीस ऑफ पेपर, सब इल्यूजन, ये वो मान रहे हैं। इनमें सबसे अच्छा वाला परमार्थिक हो गया, परमार्थिक जो है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, सेल्फ को पाके बिल्कुल पार निकल जाता है, उसको परमार्थिक बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ब्राह्मण और माया, ईश्वर कौन होते हैं, आत्मा कौन होते हैं, मोक्ष क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, ये आप सबको पता ही है, इसके मीनिंग बता रखे हैं बस। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी क्लास होती है, एंड ऐसे ही सेशन को देखते रहा करो, और अगर अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया और इसके अंदर से प्रिपेयर नहीं कर रहे तो मेक श्योर टू गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आया है, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उसके साथ साथ इसके सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लगाओ, देखो आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा सारे महा एपिसोड एंड इससे सारे क्वेश्चन से, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एंड अगर आप कॉमर्स के हैं तो यू कैन गो फॉर कॉमर्स बुक ऑल्सो, इसमें कॉमर्स वाली में कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, इसमें क्वेश्चन बैंक है सारा। अब बस अब रिवीजन का टाइम है, अब भूल जाओ कुछ नया करने का, नया जो करना था मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं करा रही हूँ फ्री क्लासेस में भी और आगे स्पेशल क्लासेस में भी, रात को 10 बजे अपनी क्लास है। सो कॉमर्स की अगर आपको बुक लेनी होगी तो सी ऑल बाइंग ऑप्शन में क्लिक करना, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा खरीदने का, कंसेप्ट भी है 2012 से 2020 तक के प्रीवियस क्वेश्चन भी, और मेरे खुद के बनाए हुए हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन भी है, ये कंसेप्ट है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 मैंने लग गया वो भी दिया मैंने, ठीक है, खुल गई है अपने आप ही खुल जाती है, क्लिक करते तो देख सकते हैं। अच्छा, एंड वो क्वेश्चन बैंक भी है प्रीवियस क्वेश्चन एंड ऑल सारे, और 2020 का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स वाली बुक में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट भी होता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में, तो उसको भी जरूर से देखिएगा, और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, टेलीग्राम में नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF।